दो दिन पहले न्यूज़मैक्स ने शाहजहांपुर की एक मस्जिद का मामला उठाया था, जिसमें हमारी टीम वहां पर पहुंची थी और जाकर के हमने ये कोशिश की थी कि अपने में कैमरे में उस पूरे मामले को कैद किया जाए, लोगों से बात की जाए, इलाके के मुसलमानों से बात की जाए। लेकिन जब हम वहां पर पहुंचे थे तो काफ़ी तादाद में वहां पर हिंदूवादी संगठन के लोग इकट्ठा हो गए थे और हमें काम नहीं करने दिया गया था, हमें कैमरा निकालने नहीं दिया गया था। किसी तरह से मोबाइल फ़ोन से उसको हमने कवर करने की कोशिश की थी कि किस तरह से एक मस्जिद के मीनार को बाकायदा पेड़ लगा करके, बाकायदा बांस लगा करके उसको तोड़ा जा रहा है। और अब आज सुबह ये खबर आई है वहाँ से, शाहजहांपुर से, जो वहाँ के जमीयतुल माहिंद के ज़िम्मेदार हैं अलवर डिस्ट्रिक्ट के, मौलाना हनीफ अलवरी, उनका यह कहना है कि अब पूरी मीनार को तोड़ दिया गया है। और न सिर्फ मीनार को तोड़ा गया है बल्कि उनका ये भी कहना है कि अब मस्जिद के अंदर नमाज भी बंद कर दी गई है। यानी जो जिस मस्जिद के अंदर बरसों से, क्योंकि वो जामा मस्जिद कहलाती है शाहजहांपुर की, जिस मस्जिद के अंदर बरसों से नमाज हुआ करती थी, अब वहाँ पर नमाज भी बंद कर दी गई है, जिसकी वजह इलाके के जो दबंग हैं उनके ज़रिए इस तरह से एक डॉक्टर की पिटाई की गई थी, क्योंकि मस्जिद के अंदर ही एक डॉक्टर की दुकान थी, शॉप थी, जहां पर वो अपनी प्रैक्टिस किया करते थे। उन्होंने इसका विरोध किया था कि मस्जिद का मीनार नहीं तोड़ने दिया जाएगा, तो उसके बाद उनकी पिटाई की गई थी, जिसके बाद मुसलमानों के अंदर काफ़ी दहशत है, जिसकी वजह से, क्योंकि मस्जिद जो है वो मुस्लिम एरिए में पड़ती है, इसलिए लोगों ने मस्जिद में जाना भी बंद कर दिया है। मौलाना हनीफ अलवरी से अभी हमारी बात हुई थी सुबह, तो उनका यह कहना है कि वो लगातार लोकल पुलिस से, प्रशासन से, और जो आला अधिकारी हैं पुलिस के, चाहे वो एसपी की बात करें या एसएसपी की बात करें, डीएम की बात करें, एसडीएम की बात करें, सभी से लगातार वो संपर्क में हैं। सब जगह उन्होंने एप्लीकेशन दी है, सब जगह उन्होंने अर्जियाँ दी हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज सुबह उन्होंने जब एसपी से मुलाकात की तो एसपी ने लोकल एसओ से बात की, थाने के जो इंचार्ज हैं उनसे बात की, तो उनका ये कहना था क्योंकि मीनार को जो हटाया गया है उसमें मुसलमानों का हाथ है, मुसलमान खुद उस मीनार को हटा रहे हैं, जिसकी वजह से कोई एक्शन नहीं बनता। तो मौलाना का ये कहना है कि अगर कोई मंदिर को कोई हिंदू तोड़ेगा तो क्या उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा? ये एक बहाना बनाया जा रहा है, अगर मुसलमानों ने भी अगर मीनार को गिराया है, मीनार को तोड़ा है, तो उनके ऊपर एक्शन बनता है। 29/9/2018 को हमने एस पी साहब को कहा कि जी वहाँ शाहजहांपुर गाँव में एक मीनार का मसला है, तो एस पी साहब ने कहा कि उसको दिखवाते हैं। फिर शाम को मैंने एसपी साहब को फ़ोन किया तो एसपी साहब ने कहा कि ठीक है, दिखवाते हैं। फिर मैंने कलेक्टर साहब के यहाँ टेलीफोन किया तो वहाँ से कलेक्टर साहब के यहाँ से मैसेज गया वहाँ शाह उसमें नीम राणा एसडीएम के पास। फिर एसडीएम साहब से बात की, एसडीएम साहब ने कहा कि हमने मैंने जाब्ता लगवा दिया है, आप बेफिक्र रहिए। फिर जो है थानेदार साहब से, एसएचओ साहब से भी कहा, डीएसपी साहब से भी कहा, नीम राणा डीएसपी साहब से भी, इसके बावजूद और भी बहुत सारे लोगों से कहा, यहाँ तक कि रात के 11:30 बजे तक जो है ये सारी बातें होती रही और आखिर में आके मुझे ऐसा लगा कि मीनार बच जाएगी। लेकिन सुबह फजर की नमाज़ के बाद जब मैं बैठा था तो टेलीफोन आया कि साहब मीनार तोड़ दी गई। फिर मैंने बाबू खां को फ़ोन किया, मैंने कि बाबू खां मीनार का क्या हुआ, तो बाबू खां ने कहा कि भाई मीनार हमने तोड़ दी है। मैंने कि जालिम तेरा सत्यानाश होगा तेरा, उसने फिर टेलीफोन बंद कर दिया। उसके बाद फिर मैंने अपने साथियों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके भाई क्या करना चाहिए, अयान हॉस्पिटल में हम इकट्ठे हुए, वहाँ एक एप्लीकेशन तैयार की गई, उस एप्लीकेशन को लेकर क्योंकि भाई इसको कौन जाएगा, मैंने कि जो पहले बोलेगा वही जाएगा, इसको लेकर मैं जाऊँगा। तो मोटरसाइकिल से मैं वहाँ पहुँचा और वहाँ आधा घंटा मैं थाना में रुका रहा और सारे स्टाफ के लोगों से कभी इधर बात हो रही है, कभी इधर बात हो रही है, वो जो है थानेदार साहब कभी इधर चले जाएँ, कभी उधर चले जाएँ। आखिर में आके मैंने थानेदार साहब से कहा, मैंने कि अब ये रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी। उसने कहा भाई जो है वो तो मुसलमानों ने तोड़ी है। मैंने कि आप हिंदू हैं और आप हिंदू होकर ये कहें कि मैं मंदिर को तोड़ूंगा, मेरा हक है, तो मैंने कि आपके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होगा। थानेदार साहब कैसे कह दिया आपने ये बात कि मुसलमान तोड़ देगा उसके ऊपर अपराध नहीं होगा? उसके ऊपर भी वही अपराध होगा जो एक हिंदू को मंदिर तोड़ने पर होगा। और उसके बाद फिर हम जो है परसों के दिन जो है मीडिया की टीम गई, मीडिया की टीम को वहाँ देखा कि तोड़ फोड़ चल रही थी, मीडिया की टीम ने उसको पूरा बनाया, इसमें मोबाइल में उसको देख सकते हैं। कल हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, कल कलेक्टर साहब को जो हमने वहाँ पहले वहाँ गए, फिर वहाँ नहीं मिले तो हम यहाँ आए
और फिर जो है SDM साहब ने हमारा ज्ञापन लिया और उन्होंने वादा किया कि भाई इसका मुकदमा दर्ज करेंगे। अभी हम SP साहब से मिले हैं, SP साहब ने पूछा कि भाई ये जो है क्यों मीनार को तोड़ा गया। मैंने कहा साहब वो उनको कहने से तोड़ा गया कि वो क्या कहते हैं, कि वो कहते हैं मीनार हमारे खटक दिए। तो SP साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि कल को तो तुम्हारे कोई आदमी भी खटकेगा, उसको भी हटाओगे। तो मैंने कहा साहब आप ये तो फिर आप जो है इंसाफ पसंदी की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। SP साहब ने बहुत अच्छी बात कही है, SP साहब की बातों से हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो जो जिन लोगों ने मीनार को तोड़ा है उनके खिलाफ़ मुकदमा भी दर्ज होगा, उनको बंद भी किया जाएगा और मीनार को दोबारा से बनाने का काम भी किया जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ी बात यह है कि जो हिंदूवादी संगठन के लोग हैं उन्होंने खुद मुसलमानों को इस चीज़ पर मजबूर किया कि वो मीनार को गिराएं, नहीं तो वहाँ पर उनको रहने नहीं दिया जाएगा, उनकी हत्या कर दी जाएगी, उनको धमकाया गया, उनको मारने की कोशिश की गई। उसके बाद मजबूरन मुसलमान इस बात पर तैयार हुए कि वो अपने हाथ से इस मीनार को हटाएंगे, क्योंकि मुसालिहत चाहते थे। वो चाहते थे कि मस्जिद में जिस तरह से नमाज होती रही है, बरसों से जिस तरह से नमाज वहाँ पर अदा की जा रही है पाँचों वक्त की, तो वो मुसलसल चलती रहे। लेकिन जिस तरह से जब डॉक्टर के ऊपर हमला किया गया और उसके बाद उन्होंने पुलिस में मामला दर्ज कराया, पुलिस ने कुछ लोगों को उठाया, उसके बाद काफ़ी संख्या में हिंदूवादी तंजीमों के लोग इकट्ठा हो गए, थाने का घेराव किया गया, मस्जिद का घेराव किया गया और नारेबाजी की गई वहाँ पर। जिस तरह के हिंदूवादी तंजीमों के जरिए नारे लगाए जाते हैं उस तरह के नारे वहाँ पर लगाए गए, जिसके बाद पुलिस को मजबूर होना पड़ा जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जो आरोपी थे जिन्होंने हमला किया था डॉक्टर के ऊपर, उनको छोड़ने पर पुलिस को मजबूर होना पड़ा क्योंकि हालात काफ़ी ख़राब हो गए थे। लेकिन उसके बावजूद लगातार हिंदूवादी तंजीमों के ज़रिए, हिंदूवादी जो संगठन है उनके ज़रिए बार बार ये आवाज़ उठाती रही, बार बार ये कहा जाता रहा कि हम इस मीनार को यहाँ पर नहीं देखना चाहते, और उसके बाद वो कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस उस पर कोई एक्शन आज तक नहीं लिया। आज जब SP से मुलाकात की है मौलाना ने, तो उनका ये कहना है कि SP ने आश्वासन दिया और हमारे सामने ऐसा को इंस्ट्रक्शन दिया है कि एक्शन लिया जाए जिन लोगों ने मीनार को गिराया है, जिन लोगों ने मीनार को उतारा है। और उसके साथ ही नमाज की बात भी आई कि नमाज मामूल के हिसाब से वहाँ पर होनी चाहिए, उसके लिए पुलिस जो है मुसलमानों की मदद करे। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या पुलिस इस पूरे मामले पर आला अधिकारियों के इंस्ट्रक्शन के बाद क्या लोकल पुलिस इसमें कुछ मुसलमानों की मदद करती है और क्या कानूनी कार्रवाई की जाती है। एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, जब न्यूज़मैक्स वहाँ पर पहुँचा था हमने दिखाया था कि किस तरह से हमारे ऊपर भी हमला करने की कोशिश की गई, हमारी टीम को घेर लिया गया और हम किसी तरह से वहाँ पर जान बचा कर भागे। लेकिन जिस तरह से मामला पूरा हाईवे पर था, अगर अंदर होते तो शायद हालात कुछ और हो सकते थे। इसके साथ ही जब हमने ये स्टोरी अपने वेब चैनल पर डाली और काफ़ी तादाद में लोगों ने इसको देखा और इस पूरे मामले से लोग अवगत हुए, उसके बाद आप हमारे वेब चैनल पर ये स्टोरी देख सकते हैं कि किस तरह से कमेंट्स आ रहे हैं। जो एक टीम IT टीम जो बना रखी है BJP और उसके सहयोगी लोगों ने, सहयोगी पार्टियों ने, हिंदूवादी संगठनों ने, उनके ज़रिए किस तरह से गालियां दी जा रही हैं, किस तरह से धमकाया जा रहा है, मुझे पूरी तरह से धमकाने की कोशिश की जा रही है कि तुमको नहीं बख्शा जाएगा, उसके साथ ही न्यूज़मैक्स को भी ये तरह तरह की धमकियाँ दी जा रही हैं कि चैनल को बंद करा दिया जाएगा, तुम्हारे ऊपर एक्शन होगा। 800 से 900 कमेंट्स इस पूरे मामले पर आ चुके हैं। एक स्टोरी जो तकरीबन 1,00,000 से ज़्यादा देखी गई है पिछले 2 दिनों के अंदर, और उस पर कमेंट्स अगर देखते हैं तो 800 से 900 कमेंट्स आए हैं, जिसमें आधे से ज़्यादा कमेंट्स ऐसे हैं जो वर्गलर हैं, जो जिसमें जो है मुसलमानों के मुतालिक गंदी जो है भाषा का इस्तेमाल किया गया है, धमकियों का इस्तेमाल किया गया है, धमकियां दी जा रही हैं और मुसलमानों को अपशब्द कहे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है जो मैं अपने कैमरे पर बता भी नहीं सकता। तो कहा जा सकता है कि किस तरह से ये तंजीमें, इस तरह की संगठन किस तरह से मुसलमानों के जज्बात को मजरू करने की और उसको ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से मैं अपने प्रोग्राम के अंदर कई दफ़ा उर्दू के अल्फाज का इस्तेमाल करता हूं, तो उसको लेकर भी कई तरह के कमेंट्स देखने में आए कि ये जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिस तरह के शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो एक मुसलमान ही कर सकता है और तू एक मुसलमान, इस तरह की चीज़ें जो है कमेंट्स के अंदर आ रही हैं। हालांकि बहुत सारे कमेंट्स मैंने अपने वेब चैनल पर डिलीट भी किए हैं क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वो ठीक नहीं है, जिसको देखते हुए मैंने काफ़ी संख्या में जो इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं उनको डिलीट करने की कोशिश की है। और मुसलमानों के ज़रिए भी इस पर जो इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि कुछ इस तरह के कमेंट्स
ना करें, जिससे आपस में जो एक भाईचारे का माहौल है उसमें किसी तरह का खलल पड़े, आपस में भाईचारे का जो है नुकसान हो। क्योंकि ये देश, इस तरह के लोग जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये बहुत ही कम संख्या में हैं। अभी भी पूरे हिंदुस्तान में ये ऐसा नहीं है कि जहाँ पर मुसलमान अकलियत में है या मुसलमान कम तादाद में है वहाँ पर हमले किए जा रहे हैं, या ऐसा नहीं है कि जहाँ पर मुसलमान दबे हुए हैं, कुचले हुए हैं, वहाँ पर हमले किए जा रहे हैं। अभी भी 99% इलाके ऐसे हैं भारत के जहाँ पर लोग मिलजुल कर रहते हैं, अच्छे लोग हैं, आपस में प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। इस तरह के 1-2% ही लोग हैं जो मुल्क में जो है माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, मजहबी आज़ादी पर दाव करने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक हमें आज़ादी दी गई है हर मजहब के लोग को कानून के हिसाब से, हमारे संविधान में जिस तरह से आज़ादी दी गई है कि जो मजहब के रसूमात हैं, चाहे वो मुसलमान हो तो वो नमाज़ पढ़ सकते हैं, या अगर गैर मुस्लिम है तो मंदिर जा सकते हैं, उसके अलावा अगर सिख है तो वो अपने गुरुद्वारे जा सकते हैं, ईसाई हैं तो वो अपने चर्च जा सकते हैं। इस तरह की सारी आज़ादी कानून में दी गई है मजहब पर चलने की, और उस पर किसी तरह का पूरे हिंदुस्तान में देखने में यह आता है कि आम तौर पर इस तरह का माहौल है कि लोग मिलजुल कर रह रहे हैं और अपने अपने मजाहिब पर लोग अमल कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे मकानात हैं कि आपस में दीवारें मिली हुई हैं हिंदू और मुसलमानों की, और दोनों में भाईचारा है, एक दूसरे के सुख और दुख में शामिल हैं। लेकिन कुछ ही कम लोग हैं जो इस तरह का माहौल ख़राब करते हैं। और देखने में ये भी आता है कि इस तरह के जो लोग हैं, एक ही आईडी से, एक ही व्यक्ति के ज़रिए 10-10 कमेंट्स किए जा रहे हैं, तो जिससे जाहिर होता है कि जो आईटी सेल का बार बार जिक्र किया जाता है सोशल मीडिया पर कि किस तरह से बीजेपी का आईटी सेल सक्रिय है और सियासी फ़ायदा उठाने के लिए, राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए किस तरह से इस तरह के कमेंट्स किए जाते हैं और लोगों को बरगलाने की कोशिश की जाती है, सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाती है। तो मेरी यही लोगों से दरख्वास्त है कि मुसलमान भी और जो गैर मुस्लिम है वो भी कोई इस तरह का कमेंट्स ना करें। हमने सिर्फ लोगों तक ये खबर पहुंचाने की कोशिश की थी, ये मीडिया का फ़र्ज़ है, जो चौथा सुतून है उसका ये फ़र्ज़ है डेमोक्रेसी का कि वो लोगों के सामने जो सही हकीकत है उसको तथ्य के साथ पेश करे। और हमने बाकायदा फ़ोटो के साथ, वीडियो के साथ तथ्य पेश करने की कोशिश की, जिसमें हमने मौलाना की भी बाइट लगाई, उन्होंने पूरे मामले को बताया, उसके साथ ही जो उन्होंने कंप्लेंट दी है वो भी उन्होंने बताई कि हमने किस किस तरह से कहां कहां कंप्लेंट दी है। हमने थाने जा करके ऐसो से बात करने की कोशिश की, और जो ऐसो का रवैया था वो भी हमने आपको बताया। तो हमने सिर्फ तथ्यों के साथ आप तक खबर पहुँचाई, इसलिए कोई भी इस तरह का माहौल ख़राब करने की कोशिश ना करे। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और आपसे एक गुजारिश ये भी है कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, न सिर्फ व्हाट्सएप पर बल्कि फेसबुक पर भी जो ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये आवाज़ पहुँच पाए और न्यूज़ मैक्स की मदद हो पाए। शुक्रिया।